मेरा नाम अर्शिक लतीफ़ है। हम श्रीनगर से यहाँ पे खेलने के लिए आया। यहाँ पे इंटर डिवीज़न ट्रायल्स हो रही है किक बॉक्सिंग की, जो इसके बाद हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। उसके बाद हमारा नगरोटा में कैंप लगेगा 2-3 दिन के लिए, ताकि हम नेशनल में अच्छा परफॉर्म कर सके। और हमें जितने भी यहाँ पे बाकी भी लोग हैं, सबको बहुत मज़ा आया। यहाँ पे बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है, डाइट वाइट अच्छे से लोग यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे और भी बहुत से, जब हम जम्मू आए, मैंने बहुत से लड़कों को देखा कि वो स्पोर्ट्स और एजुकेशन के अलावा और भी गलत गलत चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि नशे वगैरह कर रहे हैं। तो मेरा उनके लिए मैसेज है कि नशे वगैरह आप ना करें, क्योंकि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है आगे। अगर आप पढ़ाई करेंगे उसमें फ्यूचर है, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, डॉक्टर है, और भी बहुत चीज़ें हैं। स्पोर्ट्स आप आ सकते हैं, किक बॉक्सिंग हम खेल रहे हैं यहाँ पे आप ट्रायल्स दे सकते। मैं मोहनलाल, फिजिकल एजुकेशन मास्टर, इंचार्ज एक्टिविटी डिपार्टमेंट ऑफ जूस एंड स्पोर्ट्स कठुआ से। आज हमारे इंटर डिवीज़न स्टेट लेवल के मुकाबले जिला के स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में हो रहे हैं, जिसमें जम्मू की एक डिवीज़न की टीम है और दूसरी सीनियर डिवीज़न की टीम है। तो इसमें मैंने बच्चों से भी मेरी बात हुई है, बच्चे बड़े उत्साहित हैं सीनियर डिवीज़न से कि बड़ा अच्छा रिमेट है, यहाँ पर बड़ा अच्छा ग्राउंड है, बड़े अच्छे लोग हैं। तो ये एक बड़ा सुनहरी मौका है हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लिए भी, और उन बच्चों के लिए भी जो कठुआ में पार्टिसिपेट करने आए हैं, खेलने आए हैं। तो ये जितने भी हमारी एक्टिविटी है, एक्टिविटी कैलेंडर जो हमारा 2019-20 का, उसके अंतर्गत हमें ये असाइनमेंट मिली थी कि किक बॉक्सिंग के मुकाबले जो हैं वो जिला के स्पोर्ट्स सिटी में अमल करवाए जाएँ। तो हमने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। ये जितने भी मुकाबले हो रहे हैं, ये हमारे डायरेक्टर जनरल जूस एंड स्पोर्ट्स जनाब सलीमुर रहमान साहब, उनकी दिशा निर्देश हैं, और ये इसकी जो देख रेख है हमारे जिला अधिकारी जनाब सुनील कुमार जी, और मेरे साथी जोगिंद्र कुमार शर्मा जी जो एक्टिविटी देखते हैं। ये सभी जो चीज़ें हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, चाहे कोई भी इवेंट होगा, तो ये सभी देख रेख जो है हम सब लोगों की होती है। बच्चे बड़े खुश हैं, खासकर सीनियर के। ये बात दोबारा दोहरा रहा हूँ कि बच्चों से मेरी बात हुई 2-3 बार।